जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। भारत में जो हमारा संविधान है, संविधान का जो ज्ञान है वो भारत के प्रत्येक लोगों में नहीं है, इसलिए भारत के सभी नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने संविधान जन जागरूकता रैली या संविधान कार्यान्वयन रैली के रूप में पूरे देश में ये प्रोग्राम कर ये BS4 के माध्यम से जन जागृति लाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमने रैली का प्रोग्राम किया गया, जो प्रोग्राम रखा गया है, और खासकर हमारे जो मूल निवासी भाई है एकता लाना, जागृति लाने के लिए, मतलब अल्पसंख्यक के लोगों को भी छोड़ने के लिए जन जागृति रैली निकाली गई है। बहुत अच्छी रैली है, संविधान बचाने के खासकर। जी सर, इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। यह अभियान जो हमारा जो अभियान है, भारतीय सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान है। यह अभियान हमने 1 जनवरी 2019 से चालू किया है। मेरी शान, भारत का संविधान, यह नारा दिया। इसका उद्देश्य मात्र एकमात्र उद्देश्य है कि देश के जो भारत का संविधान है उसका संदेश या उद्देश्य कहें उसके प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना है। तो मैं ये कहूँगा कि भारत का संदेश या उद्देश्य क्या है, अगर एक सवाल आता है तो, अगर हमको भारत के संदेश, भारतीय संविधान के संदेश को घर घर दौर दौर पहुँचाना है तो भारतीय संविधान का संदेश क्या है और क्यों हम पहुँचाना चाहते हैं। तो हम यह क्या बोलते हैं, 26 नवंबर 1950 में जाते हैं, हम भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि हम देश को एक समाजवादी देश बनाएंगे। क्या संकल्प लिया? और धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे। और क्या लिया? लोकतांत्रात्मक गणराज्य देश बनाएंगे। लेकिन अभी 73 साल हो गए, ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सब बनाने के लिए, लोगों को इनकी जो अज्ञानता है संविधान के प्रति उसको मिटाने के लिए अभियान हमने पूरे देश भर में चालू किया है। इसका मात्र उद्देश्य है कि लोगों को भारतीय संविधान के प्रति साक्षर करना। आज क्या क्या किया? आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है और हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आज 11 तारीख है और 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती आती है, हम इनको संयुक्त जयंती मनाते हैं मूल निवासी मेला के माध्यम से। इन्हीं के जयंती के अवसर पर यह रैली निकाली गई है। इसके बाद समारोह का समापन होगा।